एवरीवन, वेलकम बैक, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और नहा धोकर मैं फ्री हूँ। पहले लावण्य को नहलाया, उसे धूप में भेज दिया था क्योंकि फिर बाल नहीं सूखते हैं, और उसे धूप में भेज दिया। लंच जो है वो हो चुका है सबका, मैंने नहीं किया है। मुझे लगा पहले नहा लेती हूँ, और हस्बैंड भी चले गए हैं लंच करने के बाद, तो वो मैं अभी, मुझे भूख नहीं रहती। भूख जो है ना वो 3 साढ़े 3 के बाद लगती है, कुछ ऐसा रूटीन हो गया हुआ है। 3 साढ़े 3 4 बजे भूख लगती है, और अब आदत ही बन गई है ये। तो गर्मी में कुछ खा लेते थे ना चाय के साथ, तो सर्दियों में अब वैसे ही छोटे छोटे से दिन होते भूख कम लगती है। तो भूख का टाइम जब मतलब मुझे ऐसा होता है स्पेशली 3:30 या 4, बच्चों को भी ऐसा ही होता है, पर बच्चों ने खाना खा लिया है। और अभी मैंने किचन में चढ़ा रखी है राजमा, भिगोने के लिए डाली है मैंने अभी। मुझे लगा चलिए शाम के लिए आज कुछ खास बनाते हैं, तो ये देखिए हो गई। इसको ढक देते हैं। तो ये मैंने भिगो दी है ताकि ये फटाफट से पक जाए, और लाइट वगैरह कर लेते हैं बंद, चलते हैं धूप में थोड़ी देर। टॉवल मेरा यही है, टॉवल बाहर डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, सूखता तो है नहीं। तो चलिए लाइट बंद कर, और ये कंबल उठा दें यहाँ पे। तो कपड़े ना थोड़े थोड़े बाहर रखे हैं, थोड़े थोड़े अंदर कर दिए, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। कभी थोड़े अंदर कर लेते हैं, थोड़े बाहर कर देते हैं, तो थोड़े से अभी डाले हैं क्योंकि बंदर चल रहे थे ना, तो फिर बंदर जो है वो भी सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो आज इस 2021 का ये पहला व्लॉग है, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नया साल जो है वो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, और सबकी कामनाएँ, मनोकामनाएँ जो होती है वो पूर्ण हो, यही बोल सकते हैं हम। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब भगवान के हाथ में है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी होगा। तो ये देखिए बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आजकल सर्दियों में। मुझे ना अब शैम्पू चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो मैं वाओ का करती हूँ, मतलब वाओ में ही कोई चेंज करना पड़ेगा। अभी अनियन वाला मैं कर रही थी, पहले मैं कोकोनट वाला करती थी, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो बाल लंबे तो बहुत हो गए हैं, और मुझे ना अब ये कट करने हैं, इतने लंबे बाल हो चुके हैं मेरे यहाँ तक, पर कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल, ये पूंछ सी है। तो मैं सोचती हूँ इनको दोबारा से कट कर दूँ, कट करके फिर ये रहता है, थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और अभी ना जड़ों से ही, खैर आजकल तो सभी के झड़ते हैं बाल सर्दियों में भी और बरसातों में भी। यहाँ पानी बहुत गंदा है जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ रेतीला पानी है, नहर का पानी है, तो स्किन और हेयर्स में होता ही है, बहुत फ़र्क पड़ता है, स्किन में भी बहुत वो हो जाते हैं। काफ़ी मेरी पहले के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है। तो चलिए पहले धूप में चलते हैं, पता लगे यहीं बातें करते करते धूप चली जाए। और धूप देखिए आगे आ गई है, मतलब सुबह में ना बादल बादल हो गए थे, तो ये देखिए धूप आ गई, कितनी आ गई, यहाँ जाना है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में धूप से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो बस मैं धूप में पहुंची ही थी, 5 मिनट खड़ी हुई थी कि उतने को देखिए मेरी फ्रेंड्स सारी, आप कह सकते हैं मेरी पार्टनर्स कह सकते हैं। तो ये सारी है मेरी ननदें, और इनमें से एक मेरी बेटी लगती है, बट वो भी मुझे कभी आंटी या चाची नहीं कहती, वो सबके साथ मुझे भाभी ही बुलाती हैं। तो ये सारी गाँव से अभी आई हैं, एक्चुअली इन्होंने जिम ज्वाइन किया है, तो बस आज से ही इनकी ज्वाइनिंग है। तो यहाँ खड़ी हो गई थी और हम लग गए थे गपशप में। तो ये सारी मेरी पार्टनर्स कह सकते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है गाँव में तो सब साथ साथ होती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नंदों के साथ ऐसा प्यार देखिए होना भी चाहिए। और ये जो दो लेडीज़ हैं ये भी हमारे गांव से हैं, तो ये यहाँ पर सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी। तो बस यहाँ पर शाम के टाइम ना सब लोग निकल जाते हैं घूमने धूप धूप में, मतलब थोड़ा जल्दी जैसे, और वॉक भी हो जाता है, इवनिंग वॉक भी हो जाता है, और घर में बोर भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर इन लोगों के साथ मैं लग गई थी गपशप में। ठंडी तो मैं ना आ गई हूँ धूप में, क्या गई धूप तो बिल्कुल ठंडी ठंडी। लावण्य मैं आपको बाहर ढूंढ रही हूँ, बेटे आप क्या कर रहे हो अंदर? हेलो हेलो, मैं सब्जी खा रही हूँ। सब्जी खा रही हूँ, ये पानी किसने गिरा दिया? ये बहुत पहले, ये जो वाइट टाइल्स होती है ना इस पे, तो भाई बेटा क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, अब
तो आगे ना सारी मेरी ननद वगैरह आ गई थी जैसे आपने देखी, तो वो सब लोग आई है जिम ज्वाइन करने, तो बस वो आगे खड़ी हो गई थी, तो बस उनसे मैं बातचीत कर रही थी और बस वो जिम के लिए निकली। उसके बाद चाची सास आ गई, तो वो चाची सास से बात करने लग गई और अभी आ रही हूँ। पैर ठंडे हो गए, मतलब जितनी थोड़ी बहुत धूप सेकी थी ना, हाँ वो बिल्कुल। ये लंच नहीं किया ना, भूख लग रही है। चावल नहीं खाने आपको? चावल अपनी मॉम वाली वो लग गई है ना, अपनी माता श्री वाली वो लग गई। इसको भिंडी के साथ चावल बड़े मजेदार होते हैं। काफी कमेंट थे कि हमें भी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सच में। ये पड़ेगी दाल चढ़ानी पड़ेगी, टाइम हो गया है 5:15 का। ये लो, तो चाय तो देखती हूँ नहीं बनाऊंगी। भैया कहाँ गया? सुजन निकल गया होगा कहीं अपने फ्रेंड्स का। तो चलिए पहले मैं ये पोछा लगा लेती हूँ। ये ना पूरा गीला हो जाता है यहाँ पर, जब भी ये बाथरूम में जाते हैं ना बच्चे, गंदे पैर इनके होते हैं, थोड़े थोड़े धोते हैं और वो पूरा छप जाते हैं। दादी मैंने राजमा की दाल और अभी अभी खाना पीना किया, मतलब मैंने भी अभी खाया 2 चपातियाँ और बना ली थी। मैंने लावण्या के लिए भी बनाई ना, साथ में अपने लिए भी बना ली थी क्योंकि भूख लग गई थी। बस अभी बर्तन धुल रही थी, ये देखिए हाथ ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, ठंडा पानी जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा है। और अब जो बाकी के बर्तन हैं उसके लिए मैं क्या गिरा दिया, उसके लिए मैं पानी रखूँगी गर्म होने के लिए। दाल को मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ी देर अब मैं लावण्या को पढ़ाऊँगी क्योंकि कल भी उसका टेस्ट है, आजकल डेली टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। लावण्या को बिठा दिया था मैंने पढ़ने, फिर मुझे लगा चलिए जब उसके साथ में बैठ रही हूँ उसे पढ़ा रही हूँ तो साथ में कुछ और काम भी कर लेती हूँ। तो बस ये कपड़े जो रखे थे ना, सबसे आलस वाला काम लगता है आजकल सर्दियों में मुझे ये। तो वैसे तो मैं प्याज लहसुन लेकर यहाँ आ गई थी, पर फिर मुझे लगा चलिए कपड़े मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि प्याज लहसुन तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं कट करते हुए। तो जो कपड़े सूख गए हैं अच्छी तरीके से, जो सूख गए हैं उन्हें मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और जो गीले गीले थे उन्हें मैंने आज भी बाहर डाल दिया है क्योंकि मौसम जो है वो 2-3 दिन से ऐसा ही है, कुछ मतलब बादल बादल सा है और फिर हवा जो है वो भी ठंडी सी है बहुत ज़्यादा, तो फिर ठंडे ही हो जाते हैं कपड़े। तो जो ये अच्छे से सूख गए थे इन्हें मैं फ़ोल्ड कर दूंगी और साथ ही साथ देखिए लावण्या को भी पढ़ा लूंगी। पर इस लड़की का ध्यान जो है ना बड़ी मुश्किल से बुक्स पर लाना पड़ता है, तो बच्चों के साथ ऐसा होता ही है देखिए, छोटे बच्चों के साथ खासकर। हालांकि सुजल के साथ मुझे ये दिक्कत नहीं आई थी बचपन में, वो एकदम से समझ लेता था, एकदम से सुन लेता था और वो अकेले मतलब उसे पढ़ने को देते थे वो पढ़ लेता था अकेले जाकर। पर इसके साथ ही बैठ के रहना पड़ता है, इसके साथ ही पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर इसको समझ आता है। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी बता रही हूँ, साथ साथ में अपना काम भी कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा क्योंकि बहुत आलस लगता है मुझे इस काम में, क्योंकि कपड़े जो हैं वो अच्छी तरीके से सूखे नहीं होते, आधे सूखते हैं आधे गीले रह जाते हैं, तो इस वजह से सर्दियों में ना ये बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है ये काम। तो गर्मियों में तो फिर ये रहता है कि फटाफट से कपड़े धुले, एकदम से सूख गए, आप साथ के साथ फोल्ड करके रख दो। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ये इसे भी पढ़ा लेती हूँ और बाकी का काम भी कर लेती हूँ। सुजल जो है वो भी यहीं आ गया था, तो थोड़ी बहुत उसने हेल्प कर दी थी मेरी, मैंने उससे बोल दिया था कि थोड़े थोड़े से कपड़े फोल्ड कर दो अपने, तो बस अब ये मेरी हेल्प कर लेगा थोड़ी सी और उसके बाद हम चलेंगे फिर किचन में। तो दाल जो है वो हमारी पक चुकी है और उबाल ली है मैंने, मतलब तड़का नहीं लगाया, अभी तक बैठी थी जैसा आपने देखा, कपड़े फोल्ड किए, लावण्या को पढ़ाया और दाल बड़ी अच्छी तरीके से पक गई है और हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं और अब हम बनाएंगे चाय, साथ ही साथ लगेगा तड़का और तड़का लगा के फिर हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। ठंड जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा हो रही है ठंड बाहर, एकदम से बिल्कुल हवा भी ठंडी ठंडी से चली हुई है। सुजल खड़ा है साथ में, 2 मिनट दे। और अब ना दूध वाली चाय पीने की बिल्कुल आदत ही नहीं है, मैं भी बोल रही थी उनसे ये दे 1 मिनट कि दूध वाली चाय बनाते हैं, पर इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि दूध वाली चाय वहां भी पी लेते हैं शॉप पे ना, साथ में होटल है, होटल शॉप है एक, वो बनाते हैं चाय पकौड़े वगैरह, तो वहां पी लेते हैं। घर आ गए किचन में,
तो चाय भी हमारी बन चुकी है और साथ के साथ यहाँ पर तड़के की तैयारी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज लावण्या को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी देर हो गई थी, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने हस्बैंड की चाय रूम में दे दी है और ख़ुद की चाय मैंने यहीं रख ली है कि साथ साथ में मैं पी लूँगी। वैसे भी मैं चाय जो है गर्म गर्म नहीं पीती हूँ, ठंडी चाय मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है राजमा की, सिंपल तरीके से, जैसे कि हर तीसरे घर में बनती है हमारे पहाड़ों में। कोई तामझाम नहीं होता है, ना ही आप टमाटर प्याज को पेस्ट बनाकर डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो बनती है ना, जो लोकल राजमा होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और राजमा का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। तो जैसे मैंने देखा है रेस्टोरेंट में आपको बताते हैं कि आप ग्रेवी बनाकर ये दाल बनाओ, उस तरीके से उसका खुद का टेस्ट गुम हो जाता है, आपको मसालों का ही टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हर घर में बनती है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए, वही जीरा और सूखी मिर्चें डाली, उसके बाद प्याज ऐड किया। प्याज को थोड़ा ज़्यादा भूनना है, तो प्याज थोड़ी ज़्यादा मतलब ब्राउन होनी चाहिए, सिकुड़ जानी चाहिए थोड़ी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला फ्रेश बना हुआ, उसे भी अच्छे से भूनना है। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, प्याज के बराबर की ही क्वांटिटी है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें सारे वही सूखे मसाले डाले हैं, वही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और देगी मिर्च हल्की सी डाली है, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है देगी मिर्च भी। तो बस तड़के को अच्छे से बना लेंगे, मतलब जैसे आपने देखा टमाटर खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी बनाकर टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है और खड़े टमाटर जो हम डालते हैं इनका टेस्ट अलग होता है। तो ये है आपको एक ट्रिक, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो राजमा की दाल को मतलब थोड़ी सी पहले ले लें और उसके बाद क्या करें, इसे अच्छे से मैश कर लें। जैसे आप देख सकते हैं दो कड़छी मैंने ली, उसे अच्छे से मैश कर लिया। इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी है ना वो थिक बनती है। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप गर्म मसाला डालना चाहते हैं तो इस टाइम पर थोड़ा सा डाल सकते हैं, बस इसे छोड़ देंगे अब हम उबलने के लिए। तो दाल में तड़का लग गया और साथ ही साथ चावल भी लगा लिए। टाइम हो गया है 8:15 का, 8:10 हो गए। और चाय ना मैंने आज यही साथ में खड़े खड़े पी ली थी, मतलब तड़का लगाते लगाते सिस्टर का फोन भी आ गया था, तो मुझे लगा चलिए पहले तड़का लगाऊंगी फिर चाय ठंडी हो जाएगी। हस्बैंड को अंदर दे दी, मैंने यही पी ली। तो बस अभी जो ये कलर है ना, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा अलग लग रहा है, जब इसमें उबाल आ जाता है ना तो राजमा का अच्छे वाला कलर आ जाता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा मतलब कोई मसाले ऐड नहीं करते, वही जो डेली बेसिस पे खाते हैं। तो पहले के ज़माने में तो राजमा ना जीरा सीड्स और मेथी सीड्स जो होते हैं बस वो डाल देते थे, सूखी मिर्चें डालते थे, बस प्याज डाल देते थे, टमाटर होते थे तो बैलन फूड नहीं होते थे तो बिना टमाटर के भी बना लेते थे। इसका खुद का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये लोकल वाली राजमा है मम्मी के खेतों की, और कुछ बुआ ने दी थी, कुछ मम्मी के खेतों की है। तो बहुत कम लेते हैं हम लोग राजमा, खाते भी कम ही हैं पर लेते भी बहुत कम है क्योंकि मिल जाती है इधर उधर से। तो बस ये हो गया, अब मैं ये थोड़े से बर्तन है ये धो लेती हूँ। चलो भाई चलो, चंपी वाला आया, अब होगी चंपी। क्या होगी अब चंपी? ठंडे हाथ, लावण्या का फेवरेट टाइम है ना, कसा चंपी का। सुबह नहीं हुई अभी, रात हो गई। रात हो गई, चंपी का फेवरेट है, पर कंगी सबसे कंगी लावण्या का फेवरेट काम। अभी देखना कितने अच्छे अच्छे से हंसेगी लावण्या, छुप गई आज। चंपी करते हैं ना, मैं कभी कभी नीचे भी गिर जाती हूँ। अच्छा मैं इतना तो गिराती भी नहीं हूँ, तो खुद से गिर जाती है। आउच। लावण्या बड़ी हो गई है, बहुत अच्छी है। लावण्या रोती नहीं, भजन भजन गाती है। चलो 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 चलो, हो गया, आराम से कर दूँ। हम खाएंगे खाना और ये रही राजमा चावल, गर्मा गर्म चावल और राजमा, और लावण्या की है ये फेवरेट। हाँ लावण्या, यम्मी, अच्छी लगती है। yeah. लेकिन अपनी प्लेट लेके जाओ, छोड़ो भैया, जाओ गिराना नहीं, गिराना नहीं। तो राजमा चावल के लिए ना कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो मतलब जिसको पसंद नहीं है। तो देखिए ये कलर आ गया है राजमा में थोड़ी देर उबाल आने के बाद, और आज ना मेरे पास हरा धनिया नहीं है, नहीं तो वो डालती तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो गर्मा गर्म राजमा चावल और साथ में होगी
मैं नहीं खाती, हस्बैंड खाते हैं, बच्चे खा लेते हैं, मुझे पसंद नहीं है। खिचड़ी के साथ मैं खा लेती हूँ, राजमा की खिचड़ी भी बहुत टेस्टी होती है, शेयर करूँगी कभी ज़रूर। तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं अपना खाना। आइए देखिए, आप भी देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मुंह बंद करेगी फिर मुंह के अंदर ही मार दूंगी। चल खड़ी हो जा, मेरे को भी बैठना। फिर तब आपको नींद नहीं आएगी। आपको क्यों नहीं आती मेरे बिना नींद? नहीं आती, मैंने कल की तरह सोना है। कल की तरह सोना? क्यों सोना है? कल आप मेरे साथ खेलते खेलते सोए थे। खेलते खेलते सोए थे? बड़े नहीं हो गए अब आप? मैं खेलते खेलते सोऊंगी। खेलते खेलते सोऊंगी एक दिन बस। तो लावण्या ना मुझे बर्तन नहीं धोने दे रही है, थोड़े से बर्तन रह गए हैं मेरे, और ये बोल रही है मुझे नींद नहीं आ रही है, मम्मा मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं आपके पास खड़ी रहूंगी जब तक बर्तन नहीं धुलेंगे। सीधे बैठो बेटा, मम्मा थक गई। और मैं ना आज जब मैं धूप में गई थी ना, मेरे पैर जो है मैंने सॉक्स नहीं पहने थे, नहा के मैं वैसे ही निकल गई थी, और आगे फिर जैसे वो नंदे वगैरह मिले उसके बाद चाची सास मिल गए थे, तो फिर खड़ी रही और ठंड हो चुकी थी, और वो ठंड ना पैरों में चढ़ गई, पैर ठंडे हो गए थे मेरे, और शॉल वगैरह भी नहीं कुछ लिया था, तो वो ठंड मेरे पेट में चढ़ गई, और मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है ना खाना खाने के बाद, वैसे तो खाना खाने से पहले से हो रही है, पर खाना खाने के बाद फिर ज़्यादा तेज़ मुझे लग गई, ऐसे मरोड़े से उठती है ना, बस एकदम से दर्द आ रही है, एकदम से ठीक हो रही है मीठी मीठी सी, तो वो वाली दर्द उठ गई मेरे, और हालत बुरी हो गई। तो बर्तन मैंने आधे धोए आधे छोड़ दिए, दूध नहीं सुबह उबाला था ना, तो दूध उबालने को रखा, और अभी आ गई, उतने को ये आ गई, जितने को मैं थोड़ी हिम्मत कर रही हूँ कि धो देती हूँ, उतने को ये आ गई नौटंकी, कहते मामा मुझे सोना है, और लावण्या को ना कान छिदवाने हैं इसको, ये मैं तो पहले पहले पापा के पास सुई लेके, ये ना इसके दादू भी पहले कर देते थे सुई से, सर्दियों में कान में छेद धागा डाल के फिर उसे बांध देते थे, पर अब वो डरते हैं, तो ये ना पहले बोलती थी कि मुझे कान में छेद करने, तो इसके पापा बोलते थे बेटा सुई से करते हैं, और ये जब ये LKG में थी तो ये पापा के पास सुई लेके चली गई थी, पापा सुई छेद करो दर्द होती है, तो सोच रही थी अभी, पर इसके कान ना छोटे छोटे से है, अभी जब बड़े हो जाओगे ना आप थोड़े, क्योंकि कुछ लगाते हैं ना बेटे उससे कान ऐसे हो जाते हैं नीचे, तो बाद में करवाएंगे जब बड़े हो जाओगे, जब मैं 10 साल की होंगी, जब ये 10 ईयर की हो जाएगी ना, 10 साल की होगी ना ये, तब कराएंगे। तो ऐसा था हमारा आज का दिन, पहला दिन हमारा जो साल का था वो अच्छा गया, और राजमा चावल हमने बना के खाए, राजमा चावल टेस्टी बने थे, है ना, थोड़ा सा नमक कम था, थोड़ा सा नमक कम हो गया था, फिर बाद में डाला मैंने, मतलब जब सबको निकाल दिया था ना उसके बाद पता लगा कि नमक थोड़ा सा कम है। तो चलिए अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, करेंगे इस वीडियो का एंड, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं आज का लाइक लावण्या के लिए, है ना, जिसको बेल बटन को जरूर दबाइएगा, हाँ सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा पहले, फिर बेल बटन को दबाइएगा, फिर आपके पास मामा की वीडियो आ जाएगी, वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी न्यू वीडियोस की। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।